तब वे उनके पीछे पीछे गई तो देखा कि भोलेनाथ उन पांच नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। अपने ही माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और महादेव के हाथों मारा गया। जब श्रीहरि अपने मोहिनी रूप में आए तो उनके रूप को देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। इनमें से सबसे प्रमुखता के साथ जिसका नाम लिया जाता है वो है दैत्यराज बलि का पुत्र बाणासुर। दोनों काम वासना में इतने व्यस्त थे कि अपने पुत्र से उनके सुख में व्यवधान आने के कारण उन्होंने उसे त्याग दिया। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता। जब भी शिवपुत्र की बात आती है तो हमारे ध्यान में भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश ही आते हैं। वैसे तो भगवान शिव के किसी भी पुत्र ने माता पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, किंतु फिर भी कार्तिकेय और गणेश को शिवपुत्र ही माना जाता है और इनकी प्रसिद्धि सबसे अधिक है। कुछ लोगों को इन दोनों के अतिरिक्त महादेव की कन्या अशोक सुंदरी के बारे में भी पता होगा, किंतु कुछ अन्य भी हैं जिन्हें महादेव के पुत्र और पुत्रियां होने का गौरव प्राप्त है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर महादेव के सभी अवतारों को भी उनका पुत्र ही माना जाता है, किंतु इस वीडियो में हम उनके अवतारों को नहीं जोड़ रहे हैं। तो शिवपुत्र में सबसे पहले आते हैं भगवान कार्तिकेय। इन्हें ज्येष्ठ शिवपुत्र माना जाता है। देवी सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव बैरागी हो गए। तब देवी पार्वती ने उन्हें पति के रूप में पाने के लिए तप शुरू किया। शिव विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु तारकासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिवपुत्र के ही हाथों हो। वो जानता था कि भगवान शिव इस समय संन्यास लिए हुए हैं, इसीलिए उनके पुत्र का जन्म तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए वो स्वयं को अमर मानने लगा। तब कामदेव ने महादेव को देवी पार्वती की ओर आकर्षित करने के लिए उन पर काम बाण चलाया और उनकी क्रोधाग्नि में वे भस्म हो गए। अंततः विवाह तो हुआ, किंतु शिव जी के तेज को माता पार्वती अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकी और उसे समुद्र में डाल दिया। वहां छह कृतिकाओं ने उस वीर को छह भागों में बांट लिया, जिससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो छह मुख वाला था। कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। अंततः वे कैलाश अपने माता पिता के पास लौटे और देव सेना के सेनापति के रूप में तारकासुर का वध किया। पूरे भारत विशेषकर दक्षिण भारत में उनकी बड़ी मान्यता है, जहां उन्हें मुरुगन और स्कंद के नाम से भी जानते हैं। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं भगवान गणेश, जिनकी उत्पत्ति देवी पार्वती के शरीर के मैल से हुई थी। एक बार स्नान करते हुए माता पार्वती के मन में एक पुत्र की कामना हुई और उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसे जीवित किया। उन्होंने उसे द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं स्नान करने चली गई। दैववश उधर महादेव ब्याह निकले और उन्होंने कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। सारे शिवगण मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सके। अंततः क्रोध में आकर महादेव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई तो अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी। तब महादेव ने उनके कटे हुए शीश पर हाथी का सर लगाकर उन्हें जीवित किया और सभी गणों का प्रधान बनाया। तभी से वे गणपति कहलाए। भगवान शिव का तीसरा पुत्र है सुकेश। ब्रह्मा जी से हेती और प्रहेती नामक दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई। हेती का पुत्र विद्युत केश हुआ, जिसका विवाह सालकंटका नामक राक्षसी से हुआ। उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दोनों काम वासना में इतने व्यस्त थे कि अपने पुत्र से उनके सुख में व्यवधान आने के कारण उन्होंने उसे त्याग दिया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे तो एक रोते हुए बालक को देखकर माता का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उसे अपना पुत्र माना। उसका नाम उन्होंने सुकेश दिया। प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अमरता का वरदान भी दिया और उससे आगे का राक्षस वंश चला। राक्षस वंश के विषय में हमने एक वीडियो अभी हाल में ही प्रकाशित किया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। भगवान शिव का चौथा पुत्र है जालंधर। एक बार भगवान शंकर ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। उसे मालूम नहीं था कि वो शिव पुत्र है। उसका विवाह वृंदा से हुआ, जो महान सती थी। उसे वरदान प्राप्त था कि जब तक उसका सतीत्व अखंड रहेगा उसके पति का कोई वध नहीं कर पाएगा। जालंधर ने एक बार देवी पार्वती को देखा और मुग्ध हो गया। उसे पता नहीं था कि वो उसकी माता है। उसने उन्हें पाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई की, जहां उसका युद्ध महादेव से हुआ। वरदान के कारण शिव उसका वध नहीं कर रहे थे और तब भगवान विष्णु जालंधर के वेश में वृंदा के पास पहुंचे और उसके साथ रमण किया, जिससे उसका सतीत्व टूट गया। तब महारुद्र ने जालंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब सत्य का पता चला तो उसने नारायण को पत्थर हो जाने का श्राप दिया
और स्वयं सती हो गई। नारायण का पाषाण रूप शालिग्राम कहलाया और वृंदा की राख से तुलसी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण शालिग्राम के साथ तुलसी चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। महादेव के पांचवें पुत्र माने जाते हैं अयप्पा। एक बार महादेव ने भगवान विष्णु से उनके मोहिनी रूप को देखने का अनुरोध किया। जब श्रीहरि अपने मोहिनी रूप में आए तो उनके रूप को देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। उसी तेज से एक पुत्र शाश्वत की उत्पत्ति हुई, जिन्हें अयप्पा भी कहा जाता है। इनका एक नाम हरिहर और मणिकंदन भी है। दक्षिण भारत में उनके बड़े मात्रा में अनुयायी हैं और केरल के शबरीमला में स्वामी अयप्पा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शंकर के छठे पुत्र माने जाते हैं भूमा। एक बार तपस्या करते समय भगवान शिव के पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक रक्तवर्णीय बालक का जन्म हुआ जिसकी चार भुजाएं थी। उसका पालन पोषण धरती ने किया और भूमि से उत्पन्न होने के कारण उसे भूमा नाम से जाना गया और पृथ्वी का पुत्र माना गया। जब भगवान शंकर समाधि से उठे तो उन्होंने उसे मंगल नाम दिया। मंगल ने काशी में भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने भूमा को नवग्रहों में स्थान दिया। भगवान शिव का सातवां पुत्र माना जाता है अंधक। इसे अंधकासुर के नाम से भी जाना जाता है। कई पुराणों में इसे हिरण्याक्ष का पुत्र बताया गया है, जबकि शिव पुराण के अनुसार इसकी उत्पत्ति महादेव के स्वेद अर्थात पसीने से हुई मानी जाती है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने हंसी में भगवान शंकर के नेत्र बंद कर लिए। इससे सृष्टि में अंधकार छा गया और भगवान शिव के शरीर से पसीना बहने लगा। उसी पसीने से एक बालक का जन्म हुआ और अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधकासुर रखा गया। बाद में हिरण्याक्ष ने महादेव से उसे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। बड़े होने पर अंधक ने सत्य का ज्ञान ना होने के कारण अपने ही माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और महादेव के हाथों मारा गया। तो ये थे महादेव के पुत्र। चलिए अब महादेव की पुत्रियों के बारे में भी जान लेते हैं। उनकी सबसे पहली पुत्री है अशोक सुंदरी। ये महादेव की वो पुत्री है जिनका जन्म कल्प वृक्ष से हुआ था। एक बार माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से एक पुत्री की कामना की, जिससे इनका प्रादुर्भाव हुआ। कुछ स्थानों पर इन्हें श्री गणेश की बड़ी तो कुछ स्थानों पर उनकी छोटी बहन के रूप में जाना जाता है। इनका विवाह पुरुरवा के पौत्र नहुष के साथ हुआ। इन्हीं के पुत्र ययाति से समस्त राजवंश चले, जिसमें आगे चलकर कुरुवंश में पांडवों ने और यदुवंश ने श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इन्हें ही त्रिपुर बाला सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। महादेव के दूसरी पुत्री है ज्योति। इन्हें अशोक सुंदरी की छोटी बहन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म महादेव के तीसरे नेत्र से हुआ था। देवी भागवत के अनुसार इनका जन्म माता पार्वती के माथे के तेज से हुआ और इसीलिए इनका नाम ज्योति पड़ा। इन्हें माँ ज्वाला देवी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल में स्थित इनका ज्वालामुखी मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तमिलनाडु में इन्हें वेल के नाम से पूजा जाता है। महादेव की तीसरी पुत्री है मनसा। इन्हें नागों की देवी माना जाता है। इनका जन्म महादेव के मन से हुआ था और इसी कारण इनका नाम मनसा देवी पड़ा। महाभारत के अनुसार इनका दूसरा नाम जरत्कारु था, जो नागराज वासुकी की बहन थी। इनका विवाह जरत्कारु नाम के ही ऋषि के साथ हुआ, जिनसे इन्हें आस्तिक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इन्हीं आस्तिक ने महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का महान सर्पयज्ञ रुकवाया था, जिससे नागों के वंश का नाश होने से बच गया। बिहार और झारखंड में ये विषहरी माता के नाम से प्रसिद्ध है। इन तीनों के अतिरिक्त भगवान शिव की पांच और कन्याएं मानी जाती है, जिन्हें पंच नाग कन्या कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए महादेव का तेज स्खलित हो गया। इससे पांच नाग कन्याओं का जन्म हुआ। महादेव प्रत्येक दिन उन पांचों पुत्रियों से सरोवर के निकट मिलते थे। एक बार माता पार्वती ने सोचा कि महादेव रोज सुबह कहाँ चले जाते हैं। तब वे उनके पीछे पीछे गई तो देखा कि भोलेनाथ उन पांच नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। वे उनके विषय में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने उन पांचों को मारना चाहा। तब महादेव ने उन्हें सत्य बताया कि वे उन्हीं की कन्याएं हैं। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनका नामकरण किया। वे पांचों कन्याएं हैं जया, विषहरी, शामिलबारी, देव और दोतली। इन सभी के अतिरिक्त भी कई लोग अपने अपने हिसाब से महादेव के कुछ और पुत्रों और पुत्रियों का वर्णन करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुखता के साथ जिसका नाम लिया जाता है वो है दैत्यराज बलि का पुत्र बाणासुर। हालांकि अधिकतर लोग बाणासुर को रावण की भांति ही महादेव का महान भक्त मानते हैं। तो इस प्रकार
ये महादेव के सभी पुत्रों और पुत्रियों का वर्णन है। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।